हरियाणा के रेवाड़ी की ओर रुख करते हैं, जहां एक सेवानिवृत्त शिक्षक ने सीएम विंडो पर गुहार लगाई और सबको हैरान कर दिया। आपके सेवानिवृत्त शिक्षक ने सीएम विंडो पर क्या गुहार लगाई, देखिए इस रिपोर्ट में। रेवाड़ी जिले के एक सेवानिवृत्त अध्यापक ने सीएम विंडो पर गुहार लगाकर प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल खट्टर से पूछा कि जब किसी महिला के पति की मौत होने पर उसे सरकार विधवा पेंशन देती है, तो फिर पत्नी के मर जाने पर विधुर को पेंशन देने का अधिकार क्यों नहीं। वहीं इसके बाद समालखा के निर्दलीय विधायक ने सदन में जब यह मुद्दा उठाया तो सीएम ने कहा कि सरकार इस पर विचार कर रही है। क्या नाम है आपका? धर्म सिंह। धर्म सिंह जी, आपने जो सीएम विंडो पर विधुर पेंशन को लेकर जी जो लगाया है, क्या कहना चाहेंगे उसको? ऐसा है कि भारत के संविधान में समानता का अधिकार है, मौलिक अधिकारों में, और उसमें जाति, धर्म और लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं है। तो जब सरकार एक विधवा को पेंशन दे रही है, तो जब किसी की पत्नी गुजरती है तो उस विधवा को भी पेंशन, वो हकदार है, उसको मिलना चाहिए समानता का अधिकार में। धर्म सिंह जी, यहाँ एक बड़ा सवाल है कि ऐसे लोगों के लिए बुढ़ापा पेंशन होती है, जो 60 साल के बाद उसे बुढ़ापा पेंशन मिलती है, तो फिर विधुर पेंशन का सवाल कहाँ पैदा होता है? वो इसलिए होता है जी, मान लो कि 60 से कम उम्र में किसी की पत्नी गुजरती है, 30 साल के भी गुजर सकती है, 35 साल के भी गुजर सकती है, 40 के भी गुजर सकती है, तो वो 60 साल तक वो कैसे निर्भर रहेगा, किस पे रहेगा? क्या मदद क्या आप नहीं मानते कि एक महिला जो है वो जब विधवा हो जाती है तो वो बेसहारा भी हो जाती है, तो उसका इनकम सोर्स नहीं होता, इसलिए उसे विडो पेंशन दी जाती है, तो विदुर को क्यों, क्या आपने सोच कर ये चीज़ की? मैं अपने गांव में ऐसे उदाहरण बताऊंगा, जिनके पति फौज में हैं और वो जनानियां खेतों में काम करती हैं, सारा काम संभालती हैं, और एक पुरुष अक्सर गांव में ताश खेलते हुए मिलेंगे, हुक्का पीते हुए मिलेंगे। तो ये बात नहीं है कि वो अबला है या वो इसमें कमाने में सक्षम नहीं है, पुरुषों से ज़्यादा कमाती हैं। तो क्या विदुर कमाने में सक्षम नहीं होता है? नहीं, कमाने में सक्षम तो वो भी है, तो उसको भी पेंशन तो मिलनी चाहिए, जैसे भी विधवा को मिलती है उसको मिलनी चाहिए। कमा तो दोनों ही लेंगे, कमाने की तो कोई बात नहीं है। धर्म सिंह जी, मैं ऐसे मास्टर की पोस्ट पे था जी, मेरी 28 साल की नौकरी खोरी में, और मेरा स्कूल उस समय पूरे ज़िले में प्रथम था, हर क्षेत्र में, रिजल्ट्स में भी, स्पोर्ट्स में भी, और जो एग्जीबिशन हुआ करते साइंस वगैरह के उनमें भी, और अच्छी छवि मेरी रही है इलाके में रही है, दो पीढ़ियाँ मैंने पढ़ाई हैं इस इलाके की, और अब मैं यादव कल्याण सभा का भी लाइफ मेंबर हूँ, स्वराज अभियान का भी हूँ, मैं किसान यूनियन का भी हूँ, और ये अपनी गौशाला बनी है अब यहाँ मामड़ी आसमपुर में, इसका भी मैं मेंबर हूँ। क्या लगता है कि आपकी आवाज़ सरकार तक पहुँचेगी और सरकार इसके ऊपर कुछ प्रतिक्रिया सरकार की भी आएगी? देखो, अगर मीडिया कोशिश करेगा तो आवाज़, तो हमने शिकायत तो लगाई रखी है सीएम विंडो पे। ऐसे में बड़ा सवाल ये भी है कि देश के संविधान में लिंग, जाति और धर्म के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं होगा और सभी को समानता का अधिकार है। इसी को देखते हुए समालखा से निर्दलीय विधायक रविंदर माचरोली ने सदन में यह मुद्दा उठाया है। अजय अत्री, रेवाड़ी, समाचार एक्सप्रेस।